गंगोत्री से केदारनाथ की यात्रा, महेंद्र भोला दिल्ली, संजय भोला दिल्ली, हरी राम भोला महाराष्ट्र, यह दूरी लगभग पौने 400 किलोमीटर की थी जिसको हमने 11 दिन में कवर किया। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो के 4 भाग अवश्य देखें और हमें कमेंट्स में लिखें कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगने पर लाइक और शेयर करें। जय भोले की। ज्वाला के पहाड़ से उतराई करने के पश्चात हम डबरानी होते हुए अब हम गंगनानी पहुंच चुके हैं। यहाँ पे खाने पीने के छोटे होटल हैं। यहीं पे सभी कांवड़िए नाश्ता करते हैं। नाश्ते के पश्चात ऊपर गर्म कुंड है, उसी में कई बोले स्नान भी करते हैं। अब हम थोड़ा विश्राम करने के पश्चात हम गर्म कुंड की ओर चलेंगे। गर्म कुंड यहाँ से बहुत ही निकट है। रोड पर पार करने के पश्चात आप ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, इसी के रास्ते हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर कुछ दुकानें भी हैं। देखिए कई भोले गर्म कुंड से नाके आ रहे हैं। यहाँ पर पूजा सामग्री एवं नई सामग्री यहाँ पे उपलब्ध हो जाती हैं। यहाँ पे छोटी मोटी दुकानें हैं। अभी हमें और ऊपर चलना है। अब हम ऊपर पहुँच गए हैं। यहाँ पे दुकानों पर यात्री अपना कुछ सामान खरीद करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हम गर्म कुंड के पास पहुँच गए हैं। कुछ भोले गर्म कुंड में नहा रहे हैं। वास्तव में यह पानी बहुत ही गर्म है। अगर आप लोटे या किसी मग से आप पानी लेकर किनारे में बैठ के नहाएंगे तो आपको बहुत गर्म लगेगा और आप नहाने नहीं पाएंगे। यदि आप कुंड में नीचे उतर जाते हैं तो आपको 1 या 2 मिनट के अंदर ही आपको पानी नॉर्मल लगेगा। आपको गर्म होने का एहसास नहीं होगा। यह गर्म पानी पहाड़ों के माध्यम से इस कुंड में आ रहा है। अब हमने कैमरा ये गर्म कुंड की में जो गर्म पानी पहाड़ों से आ रहा है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुदरती गर्म पानी पहाड़ों से निकलता है। ये कुंड के अंदर गिरने के पश्चात कुंड ओवरफ्लो होके बाहर निकल जाता है। ये पानी बारह साल पूरे साल
होता है। हर यात्री इसमें कुछ तो लाते हैं, कुछ हाथ में धोकर जय भोलेगी। कल हम धराली से चल के बीच बीच में हम रुकते रहे, हर्षल, उसके बाद हम आए झाला, झाला की पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम आए डबरानी, डबरानी से हम आए गंगनानी। आप गंगनानी से हम 7 किलोमीटर के करीब आगे आगे हैं, थोड़ा रात होने की वजह से हम यहाँ पे इन दुकानों में रुके हैं। ये चाय वालों की दुकानें हैं। इस भोले की हमने चाय, इन्होंने भोले ने हमें रात को विश्राम कराया। अरे यूट्यूब पे डाल रखी है, इस भोले ने होटल फेमस हो जाएगी। एक छोटी सी दुकान है, इस भोले ने हमारे को रात को रजाई गद्दा दिया, आराम किया, विश्राम किया, बड़े आराम से रहे। और ये जो देख रहे हैं, ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, ये है भोले की होटल। बोले जी, बोले हैं बड़े भोले की, हमारे भोले हैं जिनके पास हम रुके थे रात को। हाँ जी, ब्लूटूथ लगाएगा आपने? यहाँ जी, ये होटल है भोले का, इसका टोपी वाले भोले का। रात को हमने इनके विश्राम किया, इन्होंने बहुत अच्छा खाना खुना खिलाया, बिस्तर बिस्तर दिए हैं खूब अच्छे। और अब ये कौन सा गांव है बोले? ये बुक्की बोलते हैं, बुक्की बुक्की इस रोड के दुकान है, जो इस जगह का नाम है बुक्की। जय बोलेगी, कुछ करो, बोलेगी हो गया आपका? हाँ, पटवाड़ी से चलकर लाटा होते हुए लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर पायलट बाबा का आश्रम आया। पायलट बाबा के आश्रम के बाहर दुकान पे हम कुछ विश्राम किया। विश्राम के पश्चात हमने पायलट बाबा के अंदर सभी देव देवताओं को अपने वीडियो में कैप्चर करने के लिए निकलना ही समझा। यहाँ पर काली हनुमान जी और काली ने शिव जी के ऊपर पैर रखे हुए अनेक देवी देवताओं की यहाँ पे काफी मूर्तियां लगी हुई हैं, जिनको आप देख पाएंगे। पायलट बाबा का आश्रम योग साधना के लिए जाना जाता है। यहाँ पर विदेशी लोग भी आकर योग साधना करते हैं। यह आश्रम गंगा के निकट है। और यहाँ पर बहुत ही शांति बनी रहती है। आप
आश्रम में सभी देव देवताओं के दर्शन करें। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पायलट बाबा का आश्रम हरिद्वार के कनखल में भी है। यहाँ पर शिवलिंग बहुत ही अच्छा और बड़ा रखा हुआ है। जरा जाने का दिल है। हमारे संजय बोले, भोले शंकर के शिवलिंग पर नतमस्तक करने पहुंच चुके हैं और उनसे मनोकामनाओं के लिए विनती कर रहे हैं। एक श्रद्धालु और भोले के दर्शन के लिए आए हैं। अब हमारे हरिराम भोले जी जो कि महाराष्ट्र से आए हैं, शिवलिंग को नतमस्तक किया और हाथ जोड़ के प्रणाम करके अपनी मनोकामनाओं के लिए विनती कर रहे हैं। एक फोटो खींचने का आश्रम बहुत बड़ा विशाल है। इसमें अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई गई है। आश्रम बहुत ही सुंदर और मनमोहक लगता है। कभी आपको आने का मौका मिले तो पायलट बाबा का आश्रम अवश्य देखें। यहाँ पर यात्रियों के लिए निःशुल्क कमरे, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, योग साधना के लिए व्यवस्था, आरामदेह उपलब्ध रहती है। इस आश्रम में पंचभुजा शिवजी की मूर्ति आपको दिखाई दे रही होगी। आप देख रहे होंगे ये गंगा कितनी तेज चल रही है, यहाँ से आवाज करती हुई जा रही है। और अब हम आगे देखेंगे, आस्ते आस्ते पानी रुक जाएगा। यहाँ पे बांध बनाया हुआ है बिजली के लिए। चलो आगे चलते हैं बांध की तरफ। ये पूरी तरह से रुक गई है गंगा और बांध में बिजली बनाने के लिए पानी को रोक दिया गया है। हम चलते हैं अब बांध की तरफ, बैक साइड में चलेंगे जहाँ पे
इतना पानी निकल रहा है, छोड़ा हुआ है। ये मनेरी बांध है, यहाँ पे बिजली उत्पादन किया जाता है। देख रहे हैं ये लिखा हुआ मंदेरी बांध। अरे बाबू पक्की बन रहा है, इसकी फोटो नहीं ले सकते, घर से खींच सकते। इसमें बंद परिसर में शौच बनाए रखा है, वो खींच रखते सामने। ये भोला बाबा कह रहा था कि वीडियो नहीं बना सकते, वहाँ लिखा हुआ है और हम वीडियो बना रहे हैं चलते हुए। अब हम बांध के दूसरे तरफ पहुंचने वाले हैं। देखिए पानी रोकने के बाद भी ऊपर से पानी आएगा बांध का।
ध्यान दे, मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ। बांध को रोकने के बाद भी ओवर फ्लो के पानी ऊपर से आ रहा है। बिजली बनने के बाद टर्बाइन से पानी बाहर निकलता हुआ मैं आपको दिखाऊंगा। आगे चल के कुछ ही दूरी पे है, गंगा मैया यहाँ से घूम रही है। आप देख रहे होंगे पानी का बहुत तेज झरना निकल के आ रहा है वहाँ से, जहाँ से बिजली बन के पानी गिर रहा है वापस गंगा में। ये बोरियां भी कावड़ लेके आ रही हैं गंगोत्री से। हाँ बोले गंगोत्री से केदारनाथ की पैदल यात्रा के चार भाग हैं। आप इन चार भागों को अवश्य देखें। देखने के पश्चात आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और एक घंटी के बटन को दबा दें ताकि मैं इसके और भाग आप डालूं तो आपको मैसेज मिले और आप उसको तुरंत देख सकें। इस यात्रा में आपको किसी प्रकार के सुझाव देने हैं या जानकारी करनी है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। वो दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए मैं नज़दीक आते जा रहा हूँ और आप शोर भी सुन रहे होंगे पानी का कितना तेज होता जा रहा है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको, फिर मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। देखिए ये पानी वे वापस गंगा में आ रहा है, बड़े प्रेशर से आ रहा है और पानी के वो क्या कहते हैं हवा से उड़ रहा है पानी।
मैं उनके नज़दीक पहुंचता जा रहा हूं और ठंडी हवा बहुत चल रही है, उसकी बौछार से बहुत तेज़ ठंडी हवा लग रही है, एसी के मुकाबले हवा चल रही है इस टाइम। कितना अच्छा सुहाना लग रहा है इस टाइम मुझे, आप भी इसका पानी के गिरने का और पानी के प्रेशर का आनंद ले रहे होंगे। कभी आए गंगोत्री तो आपको भी इसका सौभाग्य प्राप्त होगा, इसकी फुहार जो ठंडी ठंडी चल रही है उसका आपको भी सौभाग्य प्राप्त होगा। ये देखिए मैं बिल्कुल अब सामने आ चुका हूँ, ये देखिए मैंने जूम कम कर ली है, मैं कुछ देर खड़ा हो गया हूँ यहाँ पे। जय बोलेगी अब आगे आपसे फिर भी